हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ सन इन लॉ अबव देम ऑल के एपिसोड 5 के साथ। सो बिना किसी ज़्यादा देर के हम अपना ये प्यारा सा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि जो चुई गुई चिन का दामाद है वो हमारे हीरो क्वीन ली के ससुर जी के लिए एक तोहफा लेकर आया था, और वो तोहफा था एक नीला सफेद कटोरा। लेकिन दोस्तों वो एक नकली कटोरा था, और वो नकली होने के साथ साथ उस कटोरे में नेगेटिव ताकतें भी थीं। और जब चू गुई चुन के सन इन लॉ चेंग वेंग की सच्चाई क्वीन ली ने पूरे परिवार को बताई, तो उसके बाद पूरे परिवार के लोगों ने चेंग वेंग को 1 करोड़ बातें सुनाई। एंड उसके बाद जो मेयर ल्यू हैं वो क्वीन ली को अपने साथ ले गए थे। एंड उसके बाद हमारे हीरो क्वीन ली ने उनसे पूछा था कि अब आप मुझे सच सच बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। सो जो मेयर ल्यू है वो हमारे हीरो को बताते हैं कि मेरे पिता, जिन्हें आपने कुछ टाइम पहले ठीक किया था, वो फिर से बीमार हो गए हैं जब से वो मेरे घर पर आए हैं। और पिछले कुछ महीनों से मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा भी थोड़े बीमार चल रहे हैं। लेकिन जब भी मैं इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, और डॉक्टर कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो उसके बाद हमारा हीरो अपनी पावर की मदद से मेयर ल्यू की पल्स चेक करने लगता है। एंड वो सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था। मेयर क्विन को चेक करने के बाद जो मेयर क्विन है वो क्विन ली से पूछते हैं कि मुझे क्या हुआ है। सो क्विन ली कहता है कि मेयर ल्यू आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि आपको फिर से ठीक कैसे करें। जब यहाँ पर मेरी फैमिली का डिनर खत्म हो जाएगा तो मैं आपके घर पर आऊंगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दूंगा। सो जो मेयर ल्यू है वो खुश होते हुए कहते हैं कि ठीक है, तो मैं आपका अपने घर पर इंतजार करूंगा मिस्टर क्विन। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि क्विन ली अपने ससुर को गाड़ी में बैठा रहा होता है, क्योंकि उसके ससुर ने बहुत ज्यादा पी ली थी। एंड वो नशे की हालत में क्विन ली से कह रहे थे कि क्विन ली आज तुमने अपने पापा को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कराया है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि क्विन ली अपने ससुर जी को कार में बैठा देता है। एंड उसके बाद क्विंगिन से कहता है कि तुम लोग चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद घर पर आऊंगा। सो क्विंगिन कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। एंड उसके बाद वो उनकी जो कार है वो वहाँ से चली जाती है। एंड उसके बाद जो क्विन ली है वो मेयर ल्यू के घर का रास्ता अपने फोन पर देखने लगता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि क्विन ली कहीं जा रहा होता है, सो वो एक गली में चला जाता है। एंड जब वो गली में आता है तब उसे कई सारे लोग मिलते हैं, और वहां पर होता है ल्यू मिंगगाओ, जो क्विन ली से कहता है कि देखो क्विन ली, हम तो फिर से मिल गए, और आज मैं तुम्हारे साथ सब कुछ सेटल करने के लिए आया हूँ। यानी कि दोस्तों जो ल्यू मिंगगाओ है वो इतने सारे लोगों के साथ हमारे हीरो क्विन ली को मारने के लिए आया है। एंड उसके बाद जो ल्यू मिंगगाओ है वो कहता है कि क्विन ली तुम तो बस कचरे का एक भंडार हो, और अगर तुम आज अपने दोनों हाथों को काट देते हो और मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सो हमारा हीरो उसकी पूरी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो ल्यू मिंगगाओ। सो जो ल्यू मिंगगाओ है वो शो ऑफ करते हुए कहता है कि क्विन ली तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको संभाल लेंगे। एंड उसके बाद ल्यू मिंगगाओ चिल्लाकर कहता है कि जो कोई भी मुझे क्विन ली का हाथ लाकर देगा मैं उसे 50,000 रुपए दूंगा इनाम में। एंड उसके बाद वो सारे लोग क्विन ली को मारने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन हमारा हीरो क्विन ली अपनी पावर का यूज करके उन सबको धो देता है, और वो उन सबको इतने अच्छे तरीके से धोता है कि उन्हें तो साबुन की भी जरूरत नहीं होती। एंड इतने सारे लोगों को मारने के बाद क्विन ली कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मारने के लिए सही लोग लेकर आए थे ल्यू मिंगगाओ। और दूसरी तरफ हम ल्यू मिंगगाओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। एंड उसके बाद वो सोचता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, मैंने तो सुना था ये एक नंबर का बेवकूफ है, आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो क्विन ली अपनी उंगली के इशारे से ल्यू मिंगगाओ को अपने पास बुलाता है, लेकिन जो ल्यू मिंगगाओ है वो डर कर वहां से भाग जाता है। एंड उसके बाद हमारा हीरो भी मेयर ल्यू के घर की तरफ जाने लगता है। एंड यहाँ पर ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है, और हम देखते हैं कि क्विन ली एक घर के पास आ गया होता है, एंड ये घर होता है मेयर ल्यू का। एंड उसके बाद क्विन ली उस घर के अंदर जाता है एंड घंटी को बजाता है। सो जो मेयर ल्यू है वो घर के बाहर आते हैं एंड बोलते हैं कि मैं आपका ही इंतजार कर रहा था मिस्टर क्विन, प्लीज आप अंदर आइए। एंड उसके बाद मेयर ल्यू कहते हैं कि आप मेरे साथ उस कमरे में चलिए मिस्टर क्विन। और जो हमारा हीरो है क्विन ली वो सोच रहा था कि ये प्रॉब्लम तो उससे भी ज्यादा सीरियस है जितनी मैंने सोची थी। और तभी अचानक उन दोनों को चिल्लाने की आवाज आती है, सो वो दोनों दौड़कर एक कमरे में जाते हैं। एंड जो मेयर ल्यू है वो चिल्लाते हैं कि हनी हनी क्या हुआ, क्या शियाओ जी फिर से बीमार पड़ गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि मेयर ल्यू की पत्नी है वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। एंड वो कहती है कि जो शियाओ जी है वो हवा में उड़ रहा है। और जब हमारा हीरो देखता है तो उसे एक बहुत ही बड़ी ज्यादा तादाद में जो ब्लैक एनर्जी है वो दिखाई देती है, एंड वो ताकत ही मेयर ल्यू के बेटे को आसमान में उड़ा रही थी। एंड उसके बाद जो मेयर ल्यू है वो क्विन ली से कहते हैं कि प्लीज मिस्टर क्विन आप मेरे बेटी की जान बचा लीजिए। सो क्विन ली कहता है कि मैं उसे बचाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन जैसे ही जो वो बुरी स्पिरिट है वो क्विन ली को देखती है, सो वो उस पर अटैक करने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन हमारा हीरो अपनी पावर की मदद से उस स्पिरिट को वहां से गायब कर देता है। एंड जो मेयर ल्यू का बेटा है
वो बिस्तर पर आ जाता है एंड जो उस बच्चे के मम्मी पापा हैं वो उसके पास आते हैं। सो हमारा हीरो जो है वो कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है वो सोचता है कि वो जो बुरी ताकत है वो भी अभी भी इस बच्चे के अंदर है, मुझे उसे फोर्स करना पड़ेगा कि वो बाहर आए और फिर उसे मारना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम मेयर लियू की बीवी को देखते हैं जो कि उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी एंड वो कह रही थी कि लियू जेंग आखिर तुम किस बेकार आदमी को हमारे बेटे के इलाज करने के लिए लाए हो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सो वो कहते हैं कि चुप हो जाओ अभी। सो उन दोनों को देखकर जो हमारा हीरो है सोचता है कि इन दोनों पर भी उस बुरी स्पिरिट का असर होने लगा है, मुझे जल्द से जल्द इसको खत्म करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमारा हीरो अपनी पावर की मदद से उस स्पिरिट को मारने की कोशिश करता है एंड उसके बाद जो वो स्पिरिट है वो उस बच्चे की बॉडी में से बाहर आ जाती है एंड उसके बाद हमारा हीरो उस स्पिरिट पर अटैक कर देता है जिसके बाद जो वो स्पिरिट है वो खत्म हो जाती है एंड उसके बाद जो उस बच्चे की माँ है वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। और उसके बाद कुंडली मेयर लियू से कहता है कि अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अब हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि ये इविल स्पिरिट कहाँ से आई थी। सो मेयर लियू कहते हैं कि इविल स्पिरिट। उसके बाद क्विनली पूरे घर को देखने लगता है एंड वो मेयर लियू से पूछता है कि क्या आपकी फैमिली के साथ हाल ही में कुछ हुआ है या फिर आपने कोई गिफ्ट रिसीव किया है कुछ टाइम पहले। सो मेयर लियू कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं क्योंकि हमारी फैमिली के साथ अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ टाइम पहले मुझे दो पत्थर के लाइन किसी ने भेजे थे और उनमें से एक बाहर रखा हुआ है एंड उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। क्विनली कहता है कि मुझे मिल गया एंड उसके बाद मेयर लियू से क्विनली कहता है कि ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। सो मेयर लियू कहती है कि ये छोटा सा पत्थर एंड उसके बाद क्विनली मेयर लियू से कहता है कि इस पत्थर में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इविल स्पिरिट ऑरा है और जब भी आप हर दिन घर से बाहर जाते या घर पर आते तो ये इविल स्पिरिट ऑरा आपकी बॉडी के साथ कांटेक्ट करता और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जो आपके घर के लोग हैं वो इससे इन्फेक्टेड होते गए और आप लोग बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो गए और उस इविल ऑरा की वजह से आप सभी की बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर फील कर रही थी एंड उसके बाद क्विनली कहता है कि मैं आपके लिए ये सब कुछ ठीक कर देता हूँ। सो क्विनली उस पत्थर को तोड़ देता है एंड उसके बाद मेयर लियू की पत्नी क्विनली के पास आती है एंड उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर क्विन और मेरी बेटी की जान बचाने के लिए थैंक यू। सो क्विनली कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है एंड उसके बाद मेयर लियू कहते हैं कि आज आपने जो कुछ भी किया मिस्टर क्विन उसके लिए थैंक यू सो मच, मैं अपने ड्राइवर को आपके साथ भेजता हूँ, वो आपको अपने घर पर छोड़ देगा, लेकिन आपके जाने से पहले मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ, क्या आप एक क्लिनिक खोलना चाहेंगे। सो क्विनली कहता है कि एक मेडिकल क्लिनिक। हाँ तो जो मेयर लियू हैं वो कहते हैं कि आज आपने मेरी फैमिली की जान बचाई है और मैं आपके साथ अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए एक मेडिकल क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। सो क्विनली कहता है कि थैंक यू मेयर लियू एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम क्विनली की आवाज़ सुनते हैं जो कहता है कि अगर मैंने एक मेडिकल क्लिनिक खोल लिया तो मैं इससे और भी लोगों की जान बचा सकता हूँ, इससे मेरा जो वक्त है वो बर्बाद नहीं होगा और अगर फ्यूचर में जाकर मैंने अपने मम्मी पापा को खोज लिया तो वो भी बहुत ही खुश हो जाएंगे मुझे इस तरीके से देखकर। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्विन ली है वो एक कार में बैठकर अपने घर की ओर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि और देखने के बाद वो ड्राइवर से कार रोकने को कहता है और ड्राइवर अचानक ही कार रुकता है जिसकी वजह से हमारे हीरो का जो सिर है वो आगे वाली सीट में घल जाता है। सो जो वो ड्राइवर है वो पूछता है कि आपका घर आ गया क्या, लेकिन जो क्विन ली है वो बाहर की तरफ देख रहा था एंड वो बाहर देख रहा था कि चूज क्विनिंग आखिर वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। एंड उसके बाद जो वो ड्राइवर है वो भी क्विनिंग को देखकर कहता है कि तुम्हारी नजरें तो बहुत ही ज्यादा तेज हैं बच्चे, ये तो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है। और तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है जिसे देखकर जो दूसरे लड़के हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं एंड वो क्विन की तरफ देखकर कहती है कि तुम्हें इंतजार करवाने के लिए माफ कर दो। एंड उस लड़की को देखकर जो क्विन ली है वो सोचता है कि अच्छा तो तुम आज यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए आई हो, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। एंड उसके बाद जो वो दूसरी लड़की है वो क्विन के पास आती है एंड उसे लिप टू लिप किस कर लेती है एंड उसके बाद वो लड़की क्विन की तरफ देखने लगती है एंड उसके बाद तो हम उन दोनों को देखते हैं, उस ड्राइवर को एंड क्विन ली को जो बहुत ही ज्यादा शॉक थे एंड कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। एंड जो क्विन ली है वो सोच रहा था कि ये देखने से पहले ये धरती क्यों नहीं फट गई, ये आसमान क्यों नहीं फट गया, मेरी मौत क्यों नहीं हो गई। क्विनिंग तुमने एक लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया, सच में मैं तो बिल्कुल नालायक हूँ तुम्हारे लिए। एंड हमारा बेचारा जो हीरो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी था एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो गया। और दोस्तों वैसे तो मैं बताती हूँ कि जो वो दूसरी लड़की थी वो क्विनिंग को अपने साथ एक होटल में लेकर जा रही थी। सो आगे क्या होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, सो तुम लोग देखने के लिए तैयार रहना ओके। और अगर ये तो एपिसोड तुम लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।